अगर आपको स्किन पर या आपकी त्वचा पर चींटियां रेंगने जैसा या कीड़े चलने जैसा आभास होता है, एहसास होता है, तो ये कंडीशन होती है फॉर्मिकेशन। इसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। हे एवरीवन, मैं डॉक्टर संजू सिंह, आज मैं आपको फॉर्मिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या लक्षण प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ इसके लिए टॉप 3 होम्योपैथिक दवा भी बताऊंगी। तो अगर आपको या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको इस तरह की सेंसेशन रहती है, तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है, ज़रूर देखिएगा एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, फॉर्मिकेशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर आपको आपकी स्किन यानी त्वचा के अंदर ऐसा महसूस होता है कि चींटियाँ चल रही हैं, कोई बग्स हैं जो टहल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं। और ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड फॉर्मिका से आया है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम होता है फॉर्मिका रूफा, तो उसी से ये वर्ड जो है बना है। तो अगर आपको भी इस तरह की सेंसेशन होती है तो इसको फॉर्मिकेशन कहते हैं। हमें इसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको भ्रम हो रहा होता है। एक्चुअल में कोई भी चींटी, कोई भी कीड़ा प्रेजेंट नहीं होता है, ये सिर्फ एक सेंसेशन होती है, एक तरह के भ्रम होता है कि आपको स्किन के अंदर इस तरह की कीड़े चलने जैसी सेंसेशन होती है। ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादातर हाथों पैरों में, स्पेशली जो हाथ पैर के तलवे होते हैं वहाँ पे महसूस होती है। कई बार स्पाइन के अलोंग भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर हम बात करें इसके रीजंस की कि क्या कारण होता है, किस वजह से होता है, तो इसके बहुत सारे मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया। अगर नर्व डैमेज हो रही है डायबिटीज की वजह से तो आपको ये सेंसेशन आ सकती है। पार्किंसंस डिजीज़ हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म में, कैल्शियम की कमी में, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। मेनोपॉजल जो वीमेंस होती हैं जिनमें मेनोपॉज हो रहा होता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं, कोकेन लेते हैं और ये सब अचानक से आप बंद कर देते हैं, तो जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसमें भी आपको फॉर्मिकेशन की सेंसेशन हो सकती है। साथ ही आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं और आपने स्टॉप किया, तो उसके वजह से भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम लग सकती है। इसके अलावा अगर आपको हर्पीस जोस्टर है तो उसमें भी आपको फॉर्मिकेशन की सेंसेशन आ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ऐसे बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की डिफिशेंसीज होती हैं जिनमें आपको फॉर्मिकेशन की सेंसेशन आ सकती है। लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में आपको एक तो यही रहेगा कि आपको स्किन में त्वचा के अंदर कीड़े जाते हुए महसूस होंगे, कीड़े चलते हुए महसूस होंगे। इसके अलावा कई बार आपको इचिंग हो सकती है, खुजली बहुत हो सकती है, और जब आप बहुत ज़्यादा खुजला देते हैं तो वहाँ पे कट लग सकता है, वहाँ पे घाव बन सकता है, अल्सर बन सकता है। साथ में कई बार अगर नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, नर्व डैमेज की वजह से ये दिक्कत हो रही होती है, तो वहाँ पे आपको टिंगलिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, झुंझुनाहट हो सकती है, तो ये सारी दिक्कतें भी आपको आ सकती हैं। अब अगर बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो होम्योपैथी इसमें बहुत हेल्पफुल है। एकदम से आपको आराम नहीं आएगा, ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि फॉर्मिकेशन एक सेंसेशन है, तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो है होम्योपैथिक मेडिसिन पहले इसकी इंटेंसिटी को कम करेंगी, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगी, फिर धीरे धीरे करके आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर आपको ये बहुत लंबे समय से दिक्कत है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को पर्सनली विजिट करके, कंसल्टेशन करके आप ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आज मैं आपको टॉप 3 होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगी फॉर्मिकेशन के लिए, लेकिन जिस दवा के साथ आपके लक्षण मैच करते हैं सबसे ज़्यादा आपको वही दवा लेनी है, सभी दवाएं आपको नहीं लेनी है। हमारी से सबसे पहली दवा है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 पावर में लेना है। अगर आपको नर्व्स की वजह से हो रही है, नसों में दिक्कत हो रही है, नर्व डैमेज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, और हाथों पैरों की जो तलवे होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इस तरह की सेंसेशन होती है, कीड़े रेंगने जैसा, चींटियाँ चलने जैसा आभास होता है, और साथ में आपको टिंगलिंग रहती है, नमनेस भी आती है, थोड़ी कमजोरी सी महसूस होती है हाथ पैरों में, तो इस तरह की दिक्कत में हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी हमारी दवा है कॉस्टिकम 30 पावर में।
कोस्टिकम सबसे ज़्यादा काम करती है जहाँ पे आपके पैर के तलवों में सबसे ज़्यादा सेंसेशन होती है, चींटियाँ चलने जैसा महसूस होता है, और इसके अलावा टिंगलिंग भी रहती है, पेन भी रहता है। तो उस तरह की अगर कंडीशन है तो कोस्टिकम लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तीसरी हमारी दवा है सिकेलकोर। सिकेलकोर अगर ओवरऑल बॉडी में आपको हो रही है, आपका हाथ पैर भी इन्वॉल्व है, आपका स्पाइन भी इन्वॉल्व है, इवन दो आपके टंग पे भी आपको इस तरह की सेंसेशन होती है कि जैसे चींटियाँ चल रही हैं, तो उस कंडीशन में सिकेलकोर बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसके साथ साथ आपको नमनेस, टिंगलिंग, इचिंग इस तरह के भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप सिकेलकोर 30 पावर में यूज कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये टॉप 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएँ हैं जो आपके लक्षण, आपके कारण और आपका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ आपको और क्या समस्याएं आ रही हैं, उसके बेस पर दिया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको भी फॉर्मिकेशन की प्रॉब्लम है, आपको स्किन पर, त्वचा पर चींटियां चलने का आभास होता है, तो आप होम्योपैथी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।